हेलो दोस्तों उपेन्द्र सिंह ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों आज एक मैं गिम्बल के बारे में बताऊंगा विवल्स एस जोन का ठीक है तो ये इसके में क्या क्या निकलता है और इसको हम गिम्बल को बैलेंस कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको बना बताऊँगा तो उसके पहले मैं इसको आ, बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या है अभी ठीक है ये देखिए बॉक्स में खोल रहा हूँ बॉक्स में खोला तो आपको ये देखा ये गिम्बल इसमें पैक है और इसको मैं अब निकालता हूँ आपको ये गिम्बल केबल मैं निकालता हूँ इसमें ये निकाला मैंने यहाँ से भल ये निकाल दिया आप ये देख रहे हो वो फ्री है ये सब तो और इसके बाद ये आती है इसकी बेस प्लेट बेस प्लेट और ये आता है नीचे का ये हैंडल ठीक है टाइप तब तो इसको हम इधर है ये करते हैं ऐसे साइड ठीक है अब हम इसको करते हैं इधर से साइड ठीक है ये हमने इधर से कर दिया साइड अब सबसे पहले हम इसको जो है सबसे पहले जो हम इसके एक्सेस को है आ, के पहले हम ये लगाएंगे हैंडल इसका ये बता दूं मैं जियन का वेबल्स एस है ये वेबल्स एस और इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं कैमरे पे ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा ठीक है तब तक आप बने रहिए इसमें उसके पहले मैंने हैंडल इसमें लॉक कर दिया ठीक है उसके बाद बताता हूँ सबसे पहले हम इसको स्टैंड को खड़ा कर देते हैं ऐसे पहला स्टेप हम इसको खड़ा कर देंगे ऐसे ठीक है so, तो दोस्तों अभी मैंने ये आ, इसका हैंडल आ, इसमें लगा दिया है और आपको बता दूँ इसमें थ्री एक्सेस होते हैं तीन लॉक होते हैं तीन लॉक सबसे पहला लॉक आपका ये रहा सबसे पहला लॉक ये देख रहे हो सबसे पहला लॉक ये है उसके बाद से आपका लॉक आता है ये मिडिल लॉक आता है और थर्ड जो है ये पेन लेफ्ट पेन लॉक आता है ठीक है ये तीन लॉक होते हैं इसमें सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं ऐसे स्टैंड पे खड़े कर देते हैं ठीक है ऐसे स्टैंड खड़ी कर देते हैं और उसके ये हमारा इसका बेस प्लेट है और मेरे पास कैमरा है आ, अल्फा सेवन फोर ठीक है इसको मैं इस पर माउंट करूँगा और मेरे पास जो लेंस है अट्ठाईस सत्तर है इसके साथ ठीक है सबसे पहले मैं इस आ, के मदद से ये जो इसका बेस प्लेट है मैं इसमें लगा दूँगा जो बेस प्लेट है इसको सरका कैसे ये आपको दिख रहा होगा ये आ, ये लेंस को और कवर करने के लिए इसमें नट लगता है अभी मेरे को यहाँ जोत नहीं थी इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ और इसको मैं यही सिर्फ सिंपल ही ऐसे ही लगा रहा हूँ ठीक है ये तो आप ये देख लो कोशिश करने हैं कि जिसको इसको आगे की ही तरफ लगाएं बाकी बाइलेंस बैलेंसिंग में इसको हमें पता करना है कि देखना है कि कितना आगे पीछे ये लगेगा तब तक हम इसको टाइट कर रहे हैं क्योंकि लगाते लगाते आपको बाद में ये आइडिया हो जाएगा कि ये पीछे इसमें नंबरिंग दिए गए हैं कि किस नंबर पे आपको इसको सेट करना है तब तक अभी मैं आपको नॉर्मल ये बता रहा हूँ कि जो पहली बार जैसे लगाते हो कैसे लगाएंगे कैसे वो करेंगे कैसे इसको टाइट करें ये सिक्के की मदद से इसको ऐसे टाइट कर लेना है ठीक है ये मैंने इसको टाइट कर लिया बेस प्लेट को अब सब सबसे पहले मैं इसका एक्सेस ओपन करूँगा ये पहला जो लॉक है ये पहला लॉक ओपन कर लिया और ये दूसरा लॉक को हम ओपन कर लेते हैं पहले ठीक है सभी लॉक को हम ओपन कर लेते हैं ऐसे मैंने घुमा लिया और ये देखो ये मेरा ये अब इसको क्या करना है मुझे? ये लॉक कर देना हमें सारे लॉक कर देना है फिर से ये ओपन करके और तीनों लॉक मैंने लॉक कर दिया ठीक है ये आप देखो ये तैयार है मेरा अब सबसे पहला काम जो है और इस बेस प्लेट को और ये देखो ये आप देख रहे हो गए ये लॉक है ये लॉक है और इसमें भी एक लॉक है ठीक है तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे ये आगे पीछे आप देख रहे हो ये आगे पीछे हो सकता है इधर लगाएंगे देखो ये कैमरा इसमें टच कर रहा है तो पहले हम इधर इसको कर लेंगे और ये दो लॉक है एक ये क्लॉप है एक ये लॉक है ठीक है दोनों लॉक का क्या क्या काम है मैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे इस बेस प्लेट में लेके आऊँगा और नीचे का आप ये देख रहे हो गे ये पीछे का लॉक है इसको हमें दबा के रखना है और ये पीछे आ जाएगा ठीक है पीछे आ ये और जितना चाहिए था मुझे आगे करना ठीक है अभी इसको मैं क्या करूँगा लॉक कर दूँगा ठीक है ये मैंने लॉक कर दिया अब सबसे पहला स्टेप जो है हम इसको कैमरे को बैलेंस करना है ठीक है पहले स्टेप के लिए मैंने ये लॉक खोला लॉक खोला लगभग ये ये देखो ये मेरा ये फर्स्ट स्टेप है तो ये लॉक कैमरा एक तरह से बैलेंस ही है इसकी सेटिंग जो है एक बराबर की है ठीक है ये बराबर है अब आ, आ, ए, ए, देखो ये ऊपर से आएगा एक जगह ये नीचे एक ही जगह अपने जगह पे सिंपल हो जाएगा ठीक है अब हम मैं दूसरा एक बता दूँ। दे। एक देखो ये लॉक दिख रहा होगा आपको ये एक लॉक एक, एक है ये ठीक है इसको हम करेंगे अब मैं दूसरा ये लॉक ओपन करूँगा लगभग ये देखना है कि मेरा ये देखो ये ऐसे लटक रहा है ऐसे लटक रहा है तो इसको ऐसे लटकना नहीं है इसको लिए क्या करेंगे हम आपको ये लॉक दिया हुआ है इसको ऐसे ऊपर करना है नहीं ये ये लॉक से हमें ऊपर को लेना है ऐसे इसको बैलेंस करना है ये नीचे जा रहा है तो भी नीचे नहीं है हमें उतना ऊपर नहीं करना है देखो ये लॉक जा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा हमें खिसकाना है जहां पे ये बराबर हो वहीं पे हम इसको इसको रोक बैलेंस को रोक देना हमें ये देखो मेरा कैमरा ये बैलेंस हो गया ठीक है तो ये लोग हमें ये ऐसे यहां से लॉक कर देना है जहाँ से इसको लॉक कर देना है और इसको ये भी लॉक कर देना है ठीक है ये कैमरा एक, एक फर्स्ट पे हमारा बैलेंस हो गया अब हमारा सेकेंड आता है सेकेंड में लॉक खोल रहा हूँ देखो ये ऐसे झुक गया ऐसा नहीं देखो ये ऐसे नहीं झुकना चाहिए इसको एक जगह जहाँ भी रुकूँ वहाँ पे इसको स्टेप लोना चाहिए ठीक है तो उसके पहले नीचे आप ये देख रहे हो नीचे एक लॉक है ये ये नीचे पीछे की तरफ एक लॉक है इसको मैं इस लॉक की मदद से इसको भी बैलेंस करना है सेकेंड ठीक है जहाँ पे ये बैलेंस होगा वहीं पे ये कैमरा रुक जाएगा देखो लगभग ये बैलेंस है तो इसको पहले मैं लॉक करता हूँ ये मैंने लॉक कर दिया ठीक है अब मैं जहाँ रखूँगा वहीं पे ये रुक जाएगा ठीक है देखो यहाँ रखूँगा वहीं पे ये रुक जाएगा ठीक है ये प्रॉपर सेकंड स्टेप जो है मूविंग का ये भी आपका बैलेंस हो चुका है देखो कहीं भी कैमरा को वहीं पे ये रुक जाएगा ठीक है ये देखो ऐसे रुक जाइए कहीं भी रखोगे ऐसे रुक जाएगा ठीक है तो ये हमारा सेकेंड स्टेप भी हमारा फाइनल हो चुका है अब आती बारी आती है थर्ड स्टेप की थर्ड स्टेप में क्या है मूविंग मूविंग जो आपको ये नीचे दिख रहा होगा ये आप नीचे ये देख रहे होगे ये नीचे दिख रहो लॉक ये ये लॉक मैं ओपन करूँगा फिर से अब इसको पकड़ के ऐसे हमें देखना है कि बराबर आ रहा है देखो तो ये ज़्यादा ही घूम रहा है ठीक है तो इसको हमें थोड़ा सा ऐसे इसको भी बराबर करना है मैं थोड़ा सा ही इसको से करके और ये थोड़ा सा आगे पीछे इसको ये पीछे का नॉब दिख रहा है ना लगभग ये बैलेंस है बैलेंस हो चुका है मेरा थर्ड एक्सेस भी हमारा बैलेंस हो चुका है ठीक है जैसे कि आप देख रहे हो कहीं पे भी मेरा है वहीं पे ये एक्सेस हो जा रहे ये देखो ये देखो ठीक है तो ये थर्ड स्टेप भी बैलेंस सबसे मुश्किल जो बैलेंस है मतलब पहला वाला है सबसे मुश्किल मतलब मुश्किल भी नहीं कहेंगे अगर आप बराबर लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आप इसे बराबर कर सकते हैं ठीक है तो पहला ये लॉक हो गया अब भी सेकंड भी लॉक हो गया थर्ड भी लॉक हो गया ठीक है अब उस बारी आती है हमें ये आ, मोटर के बारे में कि मोटर कैसे हम ऑन करें इसको प्रॉपर बैलेंस हो गया कि नहीं तो इसमें एक बटन है वो ऑटो प्ले लेता है ऑटो भी ऑटोमेटिक कुछ हमारे से गलतियां हो जाती है तो वो ऑटो में बैलेंस कर लेता है ठीक है तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा उसके पहले मैं बता दूँ तो ये अभी क्या है आ, मैं आपको वो बटन भी दिखा देता हूँ कैसे है वो ये आपको देख रहे हो यहाँ पे ये तीन बटन बाकी मैं अभी वीडियो में अलग से भी बता दूंगा कि ये कौन सा बटन है और किससे क्या होता है इसके पावर एक बटन है पावर बटन है इस पावर बटन से हम ऑन करेंगे इसको और यहाँ से ये ये एक डिस्प्ले है डिस्प्ले पे हमें पीएफ मोड दिखाई देगा और ऑटो मोड दिखाईगा ऑटो पे हमें उसको करना है ऑटो पे ये ऑटो बैलेंस करता है ये ठीक है तो इसको पहले मैं इसको ऐसे कैमरे को रख लेता हूँ ठीक है उसको मैंने कैमरे को ऐसे रख लिया ठीक है अब सबसे पहले मैं इसके सारे लॉक हमारे खुले हुए सारे लॉक खुले हुए हैं मोटर ऑन करने से पहले सारे लॉक हमें खुले रहने चाहिए ठीक है ठीक सारे लॉक खुलने चाहिए अब ये बटन मैं यहाँ से ऑन करूँगा देखो मेरा मोटर ऑन हो चुका है अब कैमरा थोड़ा सा हिला था आपने देखा था इस वीडियो में पी एफ मोड पर आ चुका है अब मैं यहाँ से इसको नीचे थ्री डॉट है थ्री डॉट के और इसे मैं क्लिक करूँगा ठीक ऊपर आ रहा है मोटर कैमरा और एडवांस सबसे पहले हमें मोटर पे ही क्लिक करना है मोटर से हमें राइट क्लिक करना है ये राइट क्लिक किया मैंने मोटर पे ये ऑटो मोड आ गया ऑटो तो पर मुझे बस ये सेंटर वाला बटन को ये दबा देना है ठीक है ये सेंटर वाला मोट को ऐसे दबा देना है ये कहे वेब आके ये ऑटो में वायलेंस करेगा तो ये देखो प्रोसेस शुरू है प्रोसेस शुरू होते थोड़े से वाइब्रेट करेगा और ये ऑटो में वायलेंस है अपने आप जो कुछ हमसे गलतियाँ जाती है तो ये ऑटो में वायलेंस कर लेता है ठीक है तो ये लगभग ये यहाँ से ओके लिख चुका है ओके लिख चुका है तो ये हमारा गिम्बल जो है रेडी हो चुका है मूव टू शूट के लिए ठीक है तो उसके पहले फिर सबसे पहले हम कैमरा यहाँ से ऑन करेंगे ऑन करने के बाद से हमारा कैमरा ये देखो कैमरा ये रेडी है हमारा शूट के लिए ठीक है हमारा शूट के लिए जैसा कि आप देख रहे हो ये देखो ठीक है ये हो गया शूट के लिए आप जैसे मूव करना चाहते हो ये बिल्कुल स्मूथ मूव होगा जैसे आपको चाहिए जैसे चाहिए आपको वैसे आप मूव कर सकते हो देखो ये बिल्कुल मेरा कैमरा रेडी है मतलब गिम्बल हमारा रेडी है शूट के लिए ठीक है तो दोस्तों ये था आ, मेरा ये गिम्बल का गिम्बल को कैसे बैलेंस करें कई लोग को गेम्बल खरीद के लाते हैं लेकिन उसको बैलेंस कैसे करते करें उसको मालूम नहीं होता यहाँ पे ये तीन बटन बाकी मैं अभी वीडियो में अलग से भी बता दूंगा कि ये कौन सा बटन है और किससे क्या होता है इसके पावर भी एक बटन है पावर बटन है इस पावर बटन से हम ऑन करेंगे इसको और यहाँ से ये ये एक डिस्प्ले है डिस्प्ले पे हमें पी एफ मोड दिखाई देगा और ऑटो मोड दिखाईगा ऑटो पे हमें उसको करना है ऑटो पे ये ऑटो बैलेंस करता है ये ठीक है अब मैं यहाँ से इसको नीचे थ्री डॉट है थ्री डॉट के और इसे मैं क्लिक करूँगा ठीक है ऊपर आ रहा है मोटर कैमरा और एडवांस सबसे पहले हमें मोटर पे ही क्लिक करना है मोटर से हमें राइट क्लिक करना है ये राइट क्लिक किया मैंने मोटर पे ये ऑटो मोड आ गया ऑटो पर मुझे बस ये सेंटर वाला बटन को ये दबा देना है ठीक है ये सेंटर वाला को ऐसे दबा देना है ये क्या है वेब आके ये ऑटो में वायलेंस करेगा तो ये देखो प्रोसेस शुरू है प्रोसेस शुरू होते थोड़े से वाइब्रेट करेगा और ये ऑटो में वायलेंस है अपने आप जो कुछ हमसे गलतियाँ जाती है तो ये ऑटो में वायलेंस कर लेता है ठीक है तो ये लगभग ये यहाँ से ओके लिख चुका है ओके लिख चुका है तो ये हमारा गिम्बल जो है रेडी हो चुका है मूव टू शूट के लिए ठीक है तो उसके पहले फिर सबसे पहले हम कैमरा यहाँ से ऑन करेंगे को ठीक है तो इस वीडियो में मैंने गिम्बल कैसे बैलेंस करे कुछ स्टेप बताएँ तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए ठीक है और भी इस वीडियो में और जैसे कुछ और भी टाइप का पता चलता है मैं आपको इस वीडियो में और लेके आऊँगा ठीक है गिम्बल के बारे में और क्या है फंक्शन इसके अगले वीडियो में इस गिम्बल के फंक्शन के बारे में आपको बताऊँगा